हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने मोजरूस प्लांट रखा हुआ है, तो आज हम इसको एनर्जी बूस्टर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। एनर्जी बूस्टर जो हम इस प्लांट की ग्रोथ को कई गुना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ एनर्जी बूस्टर ऐसे होते हैं जो इसकी ग्रोथ को रातों रात कई गुना बढ़ा देते हैं। कुछ एनर्जी बूस्टर ऐसे होते हैं जो इसकी ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इन एनर्जी बूस्टर का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जिससे हमारा प्लांट डैमेज भी हो सकता है। तो हम इस एनर्जी बूस्टर से अपने प्लांट को होने वाले नुकसान और उसको कैसे दूर करना है और इसके क्या कारण होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। एनर्जी बूस्टर जो इसकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। कुछ एनर्जी बूस्टर होते हैं जैसे कि सी वीड, इसकी ग्रोथ को रातों रात कई गुना बढ़ा देता है। और कुछ एनर्जी बूस्टर होते हैं जो इसकी ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पर हम इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये यूज़ तो करते हैं, पर इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अगर हमें नहीं पता होता और हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा प्लांट धीरे धीरे पहले मुरझाना शुरू होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके सूख जाता है और हमें पता ही नहीं चल पाता कि प्लांट में प्रॉब्लम क्या है, जबकि प्लांट में ऊपर से देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी डीप में होती है और रूट में होती है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने ये दूसरा मोजरूस प्लांट है जो कि मैंने दूसरे प्लांट के साथ लगाया हुआ है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, एकदम अलग है और बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने एक एनर्जी बूस्टर यूज़ किया था जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है, और आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं बाकी प्लांट से कितनी अलग है, एकदम और बहुत ज़्यादा है इसकी ग्रोथ। इसी तरह से हम जो एनर्जी बूस्टर यूज़ करते हैं उससे प्लांट की ग्रोथ कुछ इसी तरह से हो जाती है। ये एकदम अच्छी खासी लंबी सी बेल बना हुआ है। एनर्जी बूस्टर से हमें ये ग्रोथ तो मिल जाती है, पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये रूट से लेकर पूरा टॉप तक एकदम सॉफ्ट होता है। अगर हम इसको हल्के हाथ से ऐसे मोड़ेंगे भी तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा, और अगर हम नाखून से कट लगाएंगे तो ये कट भी जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन जो एनर्जी बूस्टर का साइड इफ़ेक्ट होता है वो इसके रूट पार्ट में होता है, जहाँ से ये प्लांट को पानी की सप्लाई करता है पूरे प्लांट में, और फर्टिलाइज़र की भी सप्लाई यहीं से होती है। रूट से लेकर जहाँ से ब्रांचेस बननी शुरू होती है वहाँ तक प्लांट का जो पार्ट है वो एकदम हार्ड हो जाता है, इसमें लकड़ी बननी शुरू हो जाती है, यानी वो इतना टाइट हो जाता है जिससे कि इस प्लांट को नीचे से मिट्टी से होने वाली वाटर की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है, और वो प्लांट को ना फर्टिलाइज़र सप्लाई कर पाता है ना पानी सप्लाई कर पाता है। इससे प्लांट धीरे धीरे हमारा सूख जाता है और प्लांट ख़त्म हो जाता है। इसका पता हमें इससे चलता है कि जो इसका रूट पार्ट है वो डार्क ग्रीन कलर का होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है जब वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें भी धीरे धीरे ये डार्क कलर का होने लगा है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको वाटर की सप्लाई करना इसने बंद नहीं किया है, तो अभी इसमें धीरे धीरे सप्लाई चल रही है, लेकिन ये एकदम हार्ड होना शुरू हो चुका है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। अब इसके साथ मैंने एक और जो था वैरायटी, मैंने मोजरोस की जो कि जंगली वैरायटी है उस तरह की, जिसमें बहुत छोटा सा बारीक फूल आता है जो कहीं भी उग जाता है, वो रेड कलर का होता है। जब वो फूल गिरते हैं तो उसके फूल में से जो बीज होते हैं वो गिर जाते हैं, जिससे कि वो ग्रो होने लगता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये है वो वैरायटी जिसमें कि अगर इसका बीज कहीं भी गिरता है मिट्टी में तो वो ग्रो होने लगता है। जैसे ये ग्रो हो रहे हैं, ये वही जंगली मोजरोस की जो एक और वैरायटी है, ये वो है, और ये इसके फूल से ही बीज बनता है जो गिरने पर ये पौधा उगने लगता है। चलिए मैं एक और स्टेम दिखाती हूँ आपको जो मैंने काट के रखी हुई है। ये है वो जो कि रेड कलर का होता है, जिसमें बहुत छोटे साइज़ का फूल आता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें भी इसका जो स्टेम है कितना मोटा है, और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, ये भी काफ़ी इसी तरह से ग्रोथ इसने लिया था। और क्योंकि जब इसमें एनर्जी बूस्टर का साइड इफ़ेक्ट होने लगा तो इसका जो ये स्टेम पार्ट है, ये जो ब्रांचेस को पूरे प्लांट को वाटर की सप्लाई करता है, ये पार्ट एकदम हार्ड होना शुरू हो चुका है। इसमें
ये देखिए आप, ये बिल्कुल लकड़ी बन चुकी है। जैसे आपने देखा होगा जो फूल गोभी होती है उसका जो डंठल होता है, कुछ कुछ तो बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ कुछ में एकदम हार्ड होता है। जब आप छीलेंगे उसको तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एकदम लकड़ी की तरह। उसमें धीरे धीरे लकड़ी बननी शुरू हो जाती है। आप ये देख सकते हैं इसमें किस तरह से, ये आप देख सकते हैं उसमें लकड़ी बन चुकी है इसके अंदर। ये आपको ये पूरा नज़र आएगा कि कितना हार्ड है ये, और जबकि ये एकदम सॉफ्ट होता है। ये देखिए ये बिल्कुल लकड़ी बन चुका है। इससे पानी की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है। ये इस एनर्जी बूस्टर का साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि पूरे प्लांट को धीरे धीरे पहले मुरझाना शुरू होता है, फिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो सूख जाता है अगर हमें इसका पता ना चले तो। इस प्लांट का जो बचा हुआ पार्ट है वो इसी में मिट्टी में लगा हुआ है। चलिए मैं दिखाती हूँ, वो ये है। ये देखेंगे आप तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है एकदम। यहाँ से ये क्रैक की आवाज़ आ रही है, जबकि इसमें क्रैक की आवाज़ नहीं आती जब हम इसको तोड़ते हैं। और जो और भी पार्ट लगा हुआ है इसमें रूट का, ये पूरा सख्त हो चुका है। इससे इसको बिल्कुल सप्लाई बंद हो गई पानी की। और जो इसकी ब्रांचेस हैं, वैसे ये रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का, और ये एकदम लाइट कलर की हो चुकी हैं, एकदम पीली पड़ चुकी हैं, जिससे कि इसका प्रूफ है कि इसमें पानी की सप्लाई होना बंद हो गई और ये प्लांट डेड हो गया। और जब इसमें मैंने इसको देखा तो मैंने इसको निकाल दिया। और अगर हम इस पार्ट को जो हार्ड हो जाता है जब ये मुरझाना शुरू करे, तो हमें उस पार्ट को बिल्कुल कट कर देना चाहिए जो हार्ड है, और उसके बाद जो सॉफ्ट ब्रांचेस बचती हैं वही हमें लगानी चाहिए। उसके बाद जहाँ तक ये हार्ड लगे आपको, वो बिल्कुल कट करके उस पार्ट को निकाल दें, और सिर्फ सॉफ्ट वाली ब्रांचेस ही उसमें हमें दोबारा से लगानी है और ग्रो करना है उसको दोबारा से, इन सॉफ्ट ब्रांचेस को। जहाँ तक आपको पूरा हिस्सा हार्ड लगेगा, वो पूरा उसको कट कर दें। यही प्रॉब्लम मेरे इस दूसरे कंटेनर में आई थी। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रखी थी इस प्लांट की तरह बिल्कुल। इसका भी जो नीचे का रूट पार्ट था पूरा एकदम हार्ड हो गया था, और वो धीरे धीरे मुरझाने लगा था और वो एकदम सूखने लगा था। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो उसका नीचे का जो रूट पार्ट था वो पूरा एकदम हार्ड हो चुका था, जिससे कि इसको पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। तब मैंने वो पूरा हार्ड पार्ट पूरा कट किया और उसके बाद ये पूरा सॉफ्ट पार्ट इसमें लगा दिया। खाली उसकी जो सॉफ्ट ब्रांचेस थी वही मैंने इसमें दोबारा से ग्रो की, और अब ये फिर से हरा होने लगा है और इसने ग्रोथ लेनी बिल्कुल शुरू कर दी है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है इस प्लांट में एनर्जी बूस्टर यूज़ करने पर। तो जैसा कि आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये एकदम अनयूजुअल ग्रोथ है, जो कि नॉर्मली बिना एनर्जी बूस्टर के ये ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो जो ये एनर्जी बूस्टर होते हैं वो इस प्लांट के पूरे हर एक सेल में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इसके जो सेल्स होते हैं वो इतनी इस तरह की ग्रोथ लेने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई होने के बाद में प्लांट एकदम अनयूजुअल तरीके से ग्रोथ लेता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये प्लांट की एकदम अनयूजुअल ग्रोथ है, जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती। और इलेक्ट्रिक चार्ज होने के बाद में जो इसकी नॉर्मली अगर हम हिसाब लगाते हैं, तो स्प्रिंग से लेकर नवंबर तक हमारे पास इसके 9 मंथ होते हैं, यानी जो इसका लाइफ टाइम है वो लाइफ पीरियड इसका 9 मंथ का हो गया, क्योंकि 3 मंथ की तो इसमें विंटर होती है, जबकि नवंबर के बाद ये दिसंबर से प्लांट हमारा सूखने लगता है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो येलो पड़ने के बाद में, मैच्योर होने के बाद में अपने आप टूटकर झड़ने लगती हैं। अगर हम उनको हटाते नहीं हैं तो वो ड्राई होने लगती है। तो उसमें ये दिक्कत आती है कि मतलब इसका जो लाइफ पीरियड है वो पूरा 9 मंथ का हो गया, और जब इसमें एनर्जी बूस्टर यूज़ करते हैं तो वो इसके जो लाइफ पीरियड है वो इसको एकदम कम कर देते हैं, यानी जो 9 मंथ का लाइफ पीरियड है वो सिर्फ 3 से 4 महीने का रह जाता है। यानी इसको इतनी तेज़ी से इसको मैच्योर बनाता है प्लांट को, कि इसका जो लाइफ पीरियड है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये पूरा प्लांट जो नीचे का हिस्सा है वो हार्ड हो जाता है, और वहाँ लकड़ी बनने लगती है जो एकदम स्टिक की तरह, ड्राई स्टिक की तरह टाइट होने लगता है, जिससे ये बाकी प्लांट को वाटर की सप्लाई करना बंद कर देता है। एनर्जी बूस्टर से जो हमारी इस प्लांट की लाइफ थी जो 9 मंथ की थी, वो सिर्फ 3 मंथ की रह जाती है, यानी 3 से 4 मंथ की वो रह जाती है, और प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत तेज़ी से एकदम बढ़ जाता है, और इतनी तेज़ी से कंप्लीट होने लगता है कि हमें जो इसको
जो हमारा प्लांट मतलब 9 मंथ तक चलना था वो सिर्फ 3 से 4 मंथ तक ही वो चलता है, और इसकी लाइफ बिल्कुल 3 से 4 महीने की ही रह जाती है, क्योंकि वो लाइफ साइकिल को इसके पूरा कर देता है। यानी एक लाइफ साइकिल जो इसका 9 महीने का होना चाहिए वो सिर्फ 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ये प्लांट डेड होना शुरू हो जाता है। ये जो वैरायटी है ये विंटर में सूखने लगता है और उसके बाद स्प्रिंग से दोबारा से ये ग्रोथ लेना शुरू करता है। पर ये जो दूसरी वैरायटी है ये विंटर में भी सूखती नहीं, इसके ऊपर विंटर का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और इसके रूट पार्ट को अभी मैंने जो निकाला है आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से मोड़ती हूँ तो भी इस ये बिल्कुल क्रैक नहीं हो रहा, क्योंकि ये एकदम हार्ड हो चुका है, ज़्यादा जोर लगाने पर ही ये टूट रहा है, और जबकि ये हल्के से उससे भी बिल्कुल टूट जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी ऐसे लकड़ी की तरह बिल्कुल फोल्ड हो गया है, जैसे हम अदर प्लांट का जो स्टेम होता है बिल्कुल वैसा हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ये कारण है एनर्जी बूस्टर्स यूज़ करने के बाद इस प्लांट के डैमेज होने का। यानी ये जो रूट पार्ट होता है जो बाकी प्लांट को पानी और फर्टिलाइज़र की सप्लाई करता है उसे रोक देता है, जिससे हमारा प्लांट सूख जाता है। इस प्लांट में भी प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन अभी पूरे प्लांट को इसने इफ़ेक्ट करना शुरू नहीं किया है, और जब ये इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा तब मैं वो पूरा हार्ड पार्ट निकाल दूंगी और सिर्फ सॉफ्ट ब्रांचेस ही कट करके वापस लगाऊंगी, जिससे मेरा प्लांट वापस रिवाइव हो जाएगा और वो बिल्कुल ग्रोथ लेना शुरू कर देगा, और पूरा प्लांट मेरे पास वैसे एज इट इज़ वो रहेगा। तो इस तरह से ये एनर्जी बूस्टर प्लांट को उसकी लाइफ साइकिल तेज़ी से पूरा करके इसको नुकसान पहुँचाता है। अगर आप भी अपने मौजूद प्लांट में किसी एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम लगे तो आप भी इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से दूर कर सकते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें और अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।